जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। Is it possible कि तुम अपनी कंपनी में मुझे नौकरी दिलवा दो? ऐसा मत बोल मेरे भाई। भाई? Yes, come in. Good morning, सिकंदर साहब। Good morning. किस तरह की बिजनेस डील दिलवा सकते हैं आप हमें? हमारे साथ काम करके आपको कभी अफसोस नहीं होगा। तो मैं चलूं? I'll wait. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका अंदाज सुनील जैसा ही है? अभी-अभी मेरे ऑफिस से समीर नाम का आदमी निकला है, उसकी जन्म कुंडली चाहिए मुझे। समीर जनार्दन सक्सेना के घर का मेहमान है। पूरी बात अच्छी तरह से पता मुझे। बस बस इतना ही। जब तक पूरी जानकारी हासिल ना हो जाए मुझे फोन मत करना। आनंद, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो 5-10 मिनट बैठ सकते हैं? कैसी बातें कर रहे यार? अरे हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। मैडम बताओ क्या बात है? आनंद, जैसा कि तुम मानते हो कि अब हम दोस्त बन चुके हैं, तो क्या एक बात कह सकता हूँ तुमसे? बोलो। देखो आनंद, हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, कब से जानते हैं, वो सब छोड़ो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। या टू बी वेरी फ्रैंक, पता नहीं क्यों पर मुझे भी ऐसे ही लगने लगा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम मुझे अपना समझो, अपना अपना हर दुख हर दर्द मेरे साथ बांटो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। समीर, do you really need to say all this? हाँ, अगर तुम्हें अपना नहीं समझता तो जिंदगी के जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ उसमें तुम्हारे जैसा कोई हमदर्द मिल जाए, एक दोस्त मिल जाए, सच्चा दोस्त, ये वाकई बहुत किस्मत की बात होती है। तभी तो अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी जिंदगी के संवरने से लेकर उजड़ने तक के बारे में सब कुछ तुमको बता चुका हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। बोलो। मैं जानता हूँ आनंद कि तुम्हारे साथ जितना कुछ भी, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो आदमी का एक कदम बढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम अपनी पिछली बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की सोचो, नए रास्तों को देखो, नई नई दिशा में चलो। जिसे तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मिल गया हो उसे दिशा और रास्तों की कमी है क्या? ये हुई ना बात। चलो अब सोने की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। अनु, कैसे हालात बन गए? पति पत्नी और इस तरह से छुपके मिलना पड़ रहा है। तरस तो मुझे भी आ रहा है हमारे हालात पर, मगर एक एक्सपीरियंस ये भी सही, जिस दिन मंजिल पे पहुंच गए फिर सब ठीक हो जाएगा।
अनु, सिकंदर चाहे कितना भी शातिर और खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी तो होगी उसकी। पर अगर कमजोरी है तो कभी तो हाथ लगेगी। फिर देखना, जिस तरह उसने तुम्हें ब्लैकमेल करके सब कुछ हासिल किया था, उसे भी उसी तरह ब्लैकमेल करके अपना सब कुछ हासिल कर लूँगा। लेकिन इससे हमारा बदला पूरा नहीं होगा। क्या मतलब? अनु, सिकंदर तो मुझे जान से मरवा ही चुका था। वो तो भला हो उस किलर का जो मैं बच गया और उसे खरीद लिया मैंने। क्या किस्मत है ना सिकंदर की, तुम्हें मारने का सारा प्लान उसने बनाया और फंस गया शिमला। फंस नहीं गया, उसे फंसाया गया है। और उसे फंसाने वाला है सिकंदर। उसने अपनी गर्दन बचाने के लिए उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनु, सिकंदर अगर मेरे कत्ल के जुर्म में फंस जाए तो मजा आ जाए। कैसा पॉसिबल है? लेकिन शिम्पू को तो कत्ल के जुर्म में सजा हो चुकी है। हाँ, लेकिन लोअर को, उसके घर वाले तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे ना। अनु, मतलब ये है कि केस अभी बंद नहीं हुआ है और जब तक केस चल रहा है कुछ भी हो सकता है। सिर्फ सबूतों का खेल है। सबूतों को जरिया बनाकर ही तो सिकंदर ने शिम्पू को फंसाया ना। लेकिन वो सारे सबूत प्लान किए गए। अब आई सारी बात समझ में। अनु, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि शिम्पू की जगह कल सिकंदर सुनील सक्सेना के कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे हो। कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अनु, कुछ भी हो सकता है। समीर, कहाँ चला गया बाथरूम से? तो मैं आ रहा हूँ। सिकंदर से निपटने के बाद भी कंपनी पर दोबारा कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत पेचीदगियां हैं इसमें। कैसी पेचीदगी? देखो, श्रद्धा ने अपने बाबूजी की हिस्सेदारी के लिए दावा कर दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और श्रद्धा के पास सबसे बड़ा और मजबूत सबूत है तुम्हारी डायरी। बताने को कामता प्रसाद जी को कितने परसेंटेज का दावेदार ठहरा थे। अरे अनु, भरोसा रखो मुझ पर, ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। समीर, तुम जाओ। मैं चलता हूँ, लगता है कोई है। ध्यान से जाना। किचन में। अरे आनंद, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? कोई खास बात है क्या? कह सकते हो। सोने से पहले एक बार तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था। कैसी बात करते हो आनंद, इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बार? हजार बार, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हजार बार भी कम है। तुम नहीं जानते समीर, ये नौकरी दिलवाकर कितना बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। अरे मैंने तो सिर्फ रिकमेंड किया है भाई, काम तो तुम्हें अपनी काबिलियत पर मिला ना। हाँ, कह सकते हो। एक बात बोलूं, तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छे दोस्त के साथ साथ मुझे एक भाई भी मिल गया है। वरना इस घर में अकेले यूं मैं तो घुट घुट के मर जाता पापा के बिना। अब तो खुश हो ना? एक बात कहूं समीर, इफ यू डोंट माइंड, मैं
एक बार तुम्हारे गले लगना चाहता हूं। कैसी बात करते हो आनंद, आओ ना। सच कहता हूं समीर, तुमसे मिलकर मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे सुनील भैया वापस आ गए। सच अगले ये मैं ही तो हूं, यही सही मौका है अपनी सच्चाई तुम्हें बताने का। नहीं नहीं अभी नहीं, सो जाओ आनंद। गुड नाइट। गुड नाइट। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। सबा, वो शिंपू का केस हाईकोर्ट में फाइल करना था, उसका क्या हुआ? क्या? दो दिन और लगेंगे? पर सबा, अब तक तो तुम्हें वो कर देना चाहिए था ना, तुम भी ना। ओ, I'm sorry, कह रही हूँ ना सॉरी। वो मुझे कोर्ट की छुट्टियों का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ लेकिन सबा, इस बार हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। हमसे जो बन पड़े हम वो जरूर करेंगे। ये केस हमें हर हालत में जीतना है, तुम समझ रही हो ना? वो आती ही होगी। ठीक है, बाय। अरे सिमरन, तुम कब आई? कुछ पता ही नहीं चला। एनीवे, कुछ पता चला ना इंस्पेक्टर के बारे में? हाँ, एक नंबर का खाऊ इंस्पेक्टर है। यानी सिकंदर तो उसे भी खरीद ही लेगा, है ना? तो क्या हम नहीं खरीद सकते उसे? लेकिन सिमरन, अगर हमारी इतनी हैसियत होती तो क्या हम इंस्पेक्टर पाठक का ट्रांसफर ऑर्डर नहीं खरीद लेते? उस मामले में तो कईयों को खरीदने का चक्कर था, लेकिन यहाँ तो एक ही है। मगर फिर भी सिकंदर उसे जितनी कीमत देगा, क्या हम उससे ज्यादा? कीमत सिर्फ रुपयों में आकी जाए ये जरूरी तो नहीं। तुम भरोसा रखो श्रद्धा, मैं कोई ना कोई चक्कर तो चला ही लूंगी। कुछ भी करो, लेकिन ये केस तो हमें हर हालत में जीतना ही है। सक्सेना परिवार को एक ईमानदार इंसान के साथ बेईमानी करने का सबक तो मिलना ही चाहिए। सब होगा श्रद्धा, सब होगा, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। हेलो जी, बोल रही हूँ। क्या तो समीर जनार्दन सक्सेना का बेटा है, कितने समय से है यहां? अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब यह हो कि हमें जो शक था कि वो समीर नहीं कोई और है, हमारा शक बेबुनियाद निकला। ठीक है, और कुछ पता लगे तो मुझे फोन करना। सक्सेना परिवार में रहते रहते उसे मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा, या पता नहीं भी हो सकता। अगर उसे पता होता कि मैंने धोखाधड़ी से अनुराधा की कंपनी हत्या ली है, तो मेरे साथ बेइज्जती नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे फायदे की बात हो रही है तो डील करने में कोई बुराई नहीं, और वैसे भी तो मुझे फायदे की डील दे रहा है। हेलो, देखिए
हमें पूरा भरोसा है, बल्कि यकीन है कि शिंपू बेगुनाह है। उसे तो बस फंसाया गया है। नहीं, ये तो हम नहीं जानते कि सुनील का असली गुनहगार कौन है। क्या आप जानते हैं कि असली कातिल कौन है सुनील का? अच्छा, आप उसका सबूत भी दिला सकते हैं? आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? कौन हूं? मदद करने की बात कर रहा हूं आपकी। जाहिर है वेल विशर हूं आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप मुझे सबूत कब दे सकते हैं? मैं आज ही मिल लूं आपसे। रुकिए रुकिए श्रद्धा जी, पहले मेरी कोई बात तो सुनिए। ठीक, कहिए। सबूत तो मैं आपको दूंगा ही, पर इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? आप ही बोलिए, आपको क्या चाहिए? यही कि काम के बदले काम और केस के बदले केस। केस के बदले केस? जी हाँ, शिंपू को बेगुनाह साबित करना मेरा काम, लेकिन उसके बदले आपको सुधा केमिकल्स पर किए गए अपने केस को वापस लेना पड़ेगा। क्या हमें उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए? आप मुझ पर यकीन मत कीजिए। कहीं एक अच्छा मौका हमारे हाथ से ना निकल जाए। एक तीर से दो दो निशाना। नैंसी, यह है मिस्टर समीर। हाय। हेलो। किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? उन दोनों के बीच कुछ तो है। शिंपू की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं। ये रास्ता बहुत कठिन है। अनु, उस रास्ते पर हमारी शुरुआत हो चुकी है, पहली कामयाबी भी मिल चुकी है। ये तो वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे एक ऐसे ही हक की जरूरत थी। जला के बुझा।